नमस्कार दोस्तों, आज अपने कक्षा 12 के पहले लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत और इस लेसन के अंदर अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से अपने इतिहास को जान सकते हैं, इस चीज़ की अपने बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में अपने ने बात की थी इस समय की गणना किस प्रकार से होती है, ईसा पूर्व में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ईसवी सन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं। अब देखिए, जो इतिहास की जानकारी के अपने पास स्रोत है ना, वो दो प्रकार के स्रोत हैं, दो प्रकार के, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है आपको, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं बोर्ड का जो पेपर है वो 80 अंकों का है, 80 अंक अपने को प्राप्त करने, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलूंगा, बिल्कुल आराम से आपने करना है। तो दो प्रकार के हैं क्या स्रोत, किसको जानने के, इतिहास को जानने के। अब देखिए, यदि मैं इन दो प्रकारों की बात करूं कि वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप देखिए, पहला जो प्रकार है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि कौन कौन सा साहित्य है जिसके माध्यम से अपने को पता लग जाता है। दूसरी बात, पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। ओके, अब देखिए, जो साहित्यिक स्रोत है ना, आगे जाके उसके भी दो भाग हो जाएंगे, इसके भी दो भाग हो जाएंगे। वो जो दो भाग होंगे, पहला और दूसरा, पहला कौन सा होगा, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, पहला धार्मिक, दूसरा धर्मेंत्र साहित्य, यानी कि धर्म के अलावा, धर्मेंत्र साहित्य, धर्म के अलावा कौन कौन सी किताबें, धर्म के अलावा कौन कौन सी किताबें, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, इतिहास को जानने के स्रोत दो प्रकार के होंगे, साहित्यिक और पुरातात्विक, ये मूल विभाजन है, यानी कि इतिहास को अपने कितने माध्यमों से जान सकते हैं, दो माध्यमों से, कौन कौन से, साहित्य के माध्यम से और पुरातात्विक जो अपने को अवशेष मिलते हैं उनके माध्यम से। अब देखिए, अपने पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत, तो जो धार्मिक साहित्य, धार्मिक जो किताबें हैं वो और जो धर्म के अलावा जो और कौन कौन सी, धर्म के अलावा और कौन कौन सी है। अब देखिए, अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, फिर इनका और डिवाइडेशन हो जाएगा, धार्मिक साहित्य का और धर्मेंत्र साहित्य का भी क्या हो जाएगा, और डिवाइडेशन हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, ये देखिए, ये जो धार्मिक साहित्य है ना, इसके आपके पास तीन पार्ट हो जाएंगे, तीन पार्ट हो जाएंगे। पहला कौन सा, वेद कह लें आप, या आप कह लें ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा मैं बात करूं बौद्ध ग्रंथ, और तीसरी मैं बात करूं जैन ग्रंथ, तीसरी मैं बात करूं जैन ग्रंथ। ये आपकी प्लस टू की किताब के अंदर भी ये डिवाइडेशन है वो दिया गया है, इसको ध्यान से देखना। कई बार क्या है, डायग्राम देख के अपने ये देखते हैं भी इसमें से कुछ भी नहीं है। कई बार बड़ा सिंपल सा एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है भी, निम्न में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ है, निम्न में से कौन सा साहित्यिक ग्रंथ है, तो वो चीज़ें पता नहीं लगती हैं, वो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। धार्मिक साहित्य, वेद या ब्राह्मणीय ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है।
अब देखिए, इन ग्रंथों के अंदर यदि अपने बात करें तो वेद चार थे, चार वेद, फिर ब्राह्मणीय ग्रंथ जो वेदों के ब्राह्मणीय ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद 108 उपनिषद थे, 12 प्रमाणिक थे, ठीक है, आरण्यक ग्रंथ, ठीक है, ये सारे ग्रंथ आएंगे, वेद उपनिषद ब्रह्म, वेद उपनिषद आरण्यक, ये सारी चीजें आएंगी, इनकी अपने आगे भी बात करेंगे क्योंकि ये आगे के लेसनों में भी आएंगे। यदि अपने बोध ग्रंथों की बात करें तो बोध ग्रंथों में क्या था, तीन पिटक, तीन पिटक थी। पिटक का मतलब क्या था, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, ठीक है, पिटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी। अब तीन पिटक कौन कौन सी थी, तीन पिटकों में सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों ही किताबों में बौद्ध धर्म के नियम, आचार विचार और सिद्धांत, ये सारी चीजें हैं इसमें दी गई थी। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और कौन कौन से हैं, दीपवंश, महावंश, मिलिंदीपनोह, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये जब ये बौद्ध ग्रंथ है ना, या ये जो वैदिक ग्रंथ है, जब अपने वो टॉपिक लिख के आए थे भी कौन सा कहाँ पढ़ना है, जब अपने वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो चारों वेदों की बात करेंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, सभी प्रकार की बात करेंगे। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध काल अशोक के समय में आएंगे, मौर्य काल में आएंगे, तो अशोक की जानकारी या मौर्य साम्राज्य की जानकारी कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, तो तीन पिटिका हैं। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, ये आदि ग्रंथ है जिससे अपने को प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि किन किन चीजों से अपने को जानकारी मिलती है। ओके, जैन यदि मैं ग्रंथों की बात करूं तो जैन ग्रंथों में 12 अंग हैं, यानी कि 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 12 उपंग हैं, ये संख्या है, ये आपको वैसे भी याद रखनी है, एक एक नंबर के प्रश्न के लिए आपको वैसे भी याद रखनी है। 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र हैं। तो जैन ग्रंथों में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, ये सारे के सारे जैन ग्रंथ हैं जिससे अपने को प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अंदर तीन पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सारे नियम और आचरण की अपने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश भी बौद्ध ग्रंथ हैं। हिंदू ग्रंथों में बात करें तो चार वेद, उपनिषद, आरण्यक, छंद, स्रोत साहित्य, वो सारा कुछ इसमें आएगा। अब देखिए, धर्मेंद्र जो साहित्य है इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत चार प्रकार की चीजें आएंगी, इसके अंतर्गत चार प्रकार की चीजें आएंगी। देखिए कौन कौन सी चार प्रकार की चीजें आएंगी, कौन कौन सी रहेंगी वो, एक तो आएगी ऐतिहासिक किताबें, ऐतिहासिक जिसमें इतिहास के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, फिर विशुद्ध साहित्य, विशुद्ध साहित्य जो साहित्य लिखा गया है, बिल्कुल साहित्य, फिर क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, और नंबर चार की यदि मैं बात करूं तो विदेशी विवरण, नंबर चार विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, ठीक है। तो देखिए, यदि अपने प्राचीन भारत में ऐतिहासिक किताबों की बात करें तो ऐतिहासिक किताबों में एक तो कश्मीर का विद्वान था कल्हण, और कल्हण ने ग्रंथ लिखा था राज तरंगनी, याद रखना ही रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे क्लास 12 ले लो आप, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा ले लो, कल्हण का ग्रंथ राज तरंगनी, सीधा प्रश्न आता है राज तरंगनी के रचयिता कौन है, कल्हण। दूसरे यदि मैं ग्रंथ की बात करूं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य या कौटिल्य। प्राचीन भारत में इतिहास को जानने के ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके बाद में यदि विशुद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें क्या आता है, विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत आप देखिए कि विशुद्ध साहित्य के अंदर एक तो जो प्राचीन भारत में नाटक लिखे गए, नाटक लिखे गए, कोई भी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, कोई भी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया या किसी ग्रंथ की टीका, टीका का मतलब होता है सारांश रूप लिख देना, टीका लिखी गई, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, विशुद्ध साहित्य में। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, ये क्या आ जाएंगे, ये विशुद्ध साहित्य के अंदर आएंगे, क्योंकि अपने बात कर चुके हैं नाटक, व्याकरण ग्रंथ और टीका, ये आ जाएंगे। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, शूद्रक की मृच्छकटिकम, या मैं बात करूं कालिदास, कालिदास ने भी तीन नाटक लिखे थे, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्षेत्रीय साहित्य के अंदर जहां अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया वो, और विदेशी विवरण, जो विदेशी आए, जैसे प्लूटारक था, मैगसिनीज था, ये जो सारे स्टेरबो था, इन सभी लोगों ने अपना यात्रा वृतांत लिखा, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो इतिहास को जानने की स्रोत हैं उनमें आपको इन किताबों के नाम हैं और उनका राइटर कौन है वो आपने क्या करना है, मूल रूप से याद रखना है। और ये सारी की सारी जो किताबें हैं ये आपने वैदिक या मौर्य और गुप्त करेंगे उन सब के अंदर इन किताबों का बार बार जिक्र आएगा, बार बार जिक्र आएगा। जैसे कलण की राजतरंगिणी का बार बार जिक्र आएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पूरे मुगल काल, पूरे मौर्य काल में जिक्र आएगा, या नाटकों की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम है या मृच्छकटिकम है या पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उन सब का बार बार जिक्र आएगा। तो इनके राइटर आपको याद रखने हैं क्षेत्रीय साहित्य में, जैसे अपने बात करें चोल चालुक्य, तमिल तेलुगु, इन राजस्थानी में जो लिखे गए साहित्य उनका जिक्र आएगा। विदेशियों में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज था, या स्टेरबो आया था, या प्लूटारक आया था, या स्पुनर आया था, उन्होंने जो यात्रा वृतांत लिखे उन सब का जिक्र आएगा। अभी तो अपने ने इसके पहले पार्ट की बात की है। इतिहास को जानने के स्रोत दो प्रकार के, साहित्यिक और पुरातात्विक। अभी अपने साहित्यिक की बात कर रहे हैं। देखिए साहित्यिक में दो प्रकार के, धार्मिक साहित्य यानी कि जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्मेंत्र साहित्य यानी कि जो धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। तो धार्मिक साहित्य में आपके पास कितने हैं, प्राचीन भारत में कौन से धर्म थे, हिंदू यानी कि वेद ग्रंथ, बौद्ध धर्म यानी कि बौद्धों के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, ठीक है, ये धार्मिक में आ जाएंगे। धर्म के अलावा क्या है आपके पास, तो धर्म के अलावा आपके पास ऐतिहासिक किताबें हैं, दो महत्वपूर्ण किताबें, कल्लण की राजतरंगिणी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। विशुद्ध साहित्य में आपके पास जो भी नाटक हैं, व्याकरण ग्रंथ हैं या टीकाएं लिखी गई हैं वो, क्षेत्रीय साहित्य में जो स्थानीय भाषाओं में लिखे गए वो, और विदेशी आक्रमण, विदेशी विवरण यानी कि विदेशियों के द्वारा जो साहित्य सृजन किया गया, इन सब से साहित्यिक स्रोतों से अपने को क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी है वो अपने को मिलती है। अब अपने देखिएगा दूसरे पार्ट की बात करते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है आपको, दो मुख्य भाग हैं, दो मुख्य भागों के आगे अन्य जो भाग हैं वो हैं। अब देखिए अपने बात करते हैं पुरातात्विक नंबर दो की, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आएगा, पुरातात्विक स्रोतों की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा इसका अपने डिवाइडेशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा।
अभिलेख के यदि बाद की बात करूं तो मैं सिक्के आ जाएंगे। सिक्के के मैं बाद की बात करूं तो किसी भी प्रकार का कोई स्मारक बना हुआ है, स्मारक के बाद की यदि मैं बात करूं तो किसी भी प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, मंदिर के बाद की यदि मैं बात करूं तो मूर्तियों के बाद की यदि मैं बात करूं तो शैल चित्र यानी कि चट्टान पे लिखे हुए या बने हुए चित्र। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है उनकी अपने एक एक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखिएगा आप अभिलेख का मतलब होता है कहीं पर लिखा हुआ अपने को कोई भी लेख मिल जाए, यानी कि प्राचीन काल में किसी भी राजा की जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी। तो अभिलेख है ना, जो उसमें देखो क्या क्या होता है, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्र पत्र, गुहा लेख। देखिए शिला का अर्थ होता है चट्टान, पत्थर का टुकड़ा। तो कहीं भी यदि किसी चट्टान के ऊपर कोई लेख लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, शिला लेख हो जाएगा। स्तंभ इस प्रकार से पिल्लर बन जाता है ना, जिसको अपने पिल्लर या थंब भी बोल देते हैं, इसके ऊपर कोई लेख लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख। ताम्र पत्र इस प्रकार से तांबे को पीटकर इस प्रकार का आकार दे दिया जाता है और इसके ऊपर इस प्रकार से लिख दिया जाता है, वो क्या हो जाएगा, ताम्र पत्र। गुहा लेख पहाड़ों को काटकर गुफा बना दी जाती है, जैसे कि मौर्य काल में जो अशोक और दशरथ ने गुफाएं बनाई थी, नागार्जुन की और बारबरा की गुफाएं, उन गुफाओं में जो लेख लिखा हुआ है। यहां कहीं भी कोई लेख लिखा हुआ है उस लेख से भी अपने को क्या मिलती है, प्राचीन इतिहास की जानकारी है वो मिलती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने और ध्यान रखनी है, शिला लेख है, स्तंभ लेख है, ताम्र पत्र है या गुहा लेख है, यदि इनमें कहीं भी किसी व्यक्ति या शासक की क्या लिखी हुई है, उपलब्धियां, यानी कि आप कह सकते हो किसी राजा की प्रशंसा या उपलब्धियां लिखी हुई हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एग्जाम्पल किसका, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग में इस प्रकार से एक स्तंभ लगा हुआ है। तो वो क्या था, वो स्तंभ लेख था। सबसे पहले यहां अशोक जो मौर्य काल का राजा था उसने क्या किया, इस प्रकार का एक स्तंभ लगा के और उसके ऊपर अपना एक लेख लिखा दिया, तो वो क्या हो गया, स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, उसके बाद में गुप्त शासक आया समुद्रगुप्त ने क्या किया, यहां पर हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रह एक मंत्री था, यानी कि विदेश मंत्री था, उसने क्या कर दिया, उसने यहां पर लिख दिया समुद्रगुप्त ने जो जो विजय प्राप्त की उन विजयों के बारे में लिख दिया। तो अब विजय के बारे में लिख दिया, इसका मतलब क्या लिख दिया, शासक की उपलब्धि लिख दी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि प्रशस्ति किसको कहेंगे, जिसमें किसी महान व्यक्ति या राजा की उपलब्धियां यानी कि प्रशंसा लिखी हो। तो जब इसको मौर्य काल में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अशोक का स्तंभ लेख पढ़ते हैं। लेकिन इसी को जब अपने गुप्त काल में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं। और फिर इसी के ऊपर मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपना
लेख लिखवा दिया। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख भारत का एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें तीन राजवंशों और तीन शासकों की जानकारी मिलती है। राजवंश कौन कौन से? मौर्य, गुप्त और मुगल। राजा कौन कौन से? अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, ठीक है। अब देखिएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभिलेख में शिला लेख चट्टान पे लिखा हुआ, स्तंभ लेख पिल्लर पे लिखा हुआ, ताम्र पत्र तांबे के बड़े पात्र पे लिखा हुआ, गुहा लेख गुफाओं में, और इन सब के ऊपर यदि किसी राजा की उपलब्धियां लिखी हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रशस्ति है वो कहलाएगा। अब देखिए सिक्के, सिक्कों की अपने बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत या इनको क्या कहते हैं? पंच मारक। आहत या पंच मारक कहते हैं। आहत या पंच मारक क्यों कहते हैं? आहत का मतलब दबाना और पंच मारक का मतलब पांच। तो चांदी और तांबे को गर्म करके लकड़ी के ठप्पे से ठप्पा लगाया जाता था, दबा दिया जाता था उसके ऊपर निशान बनाने के लिए, इसलिए इनको क्या कहा गया? आहत और पंच मारक। ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, तो सीधा प्रश्न, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत या पंचमारक? आहत या पंचमारक। इसके बाद में अपने बात करके आए थे पहले वीडियो में, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए। तो यूनानी जो शासक आए, हिंद यूनान, हिंद और यूनान के जो शासक थे, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए भारत के अंदर, सोने के सिक्के। किसने चलाए? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी शासकों ने किसके सिक्के चलाए? सोने के। सर्वाधिक सोने के सिक्के या विशुद्ध सोने के सिक्के? सोने के सिक्के तो किसने चला दिए? हिंद और यूनानियों ने चला दिए। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के या विशुद्ध यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? वो चलाए थे जी कुषाणों ने, कुषाण शासकों ने। इसके अलावा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो गुप्त काल में आएंगे, तो गुप्त काल में गुप्तों की राजकीय मुद्रा दिनार थी, या समुद्रगुप्त ने वीणा प्रकार के सिक्के चलाए, या चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, या कुमारगुप्त ने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। ऐसे भारत में बहुत सारे सिक्के चले, और जैसे जैसे लेसन आते जाएंगे, जैसे मौर्य काल आएगा, मुगल काल आएगा, या गुप्त काल आएगा, या ब्रिटिश काल आएगा, तो वहाँ इन सिक्कों की बात आएगी, वहाँ इन लेख और अभिलेखों की बात आएगी। स्मारक, किसी शासक का कोई स्मारक बना हुआ है, कोई बावड़ी बनी हुई है, कोई कुछ, कोई भी स्मारक बना हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई महल बना हुआ है, उनके ऊपर जो लेख लिखे गए हैं, उन लेखों से भी अपने को तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक या धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। व्यवस्थाओं की जानकारी है वो अपने को मिलती है। मंदिर, मंदिर आप सभी जानते हो, तो मंदिरों के ऊपर जो प्रशस्ति या जो लेख लगे हुए हैं, उन लेख या प्रशस्तियों से भी अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के अंदर पहले जो मंदिर बनते थे वो इस प्रकार से, अपने जैसे कमरा होता है इस प्रकार से बनते थे, ठीक है। गुप्त काल के अंदर इस प्रकार से शिखर युक्त मंदिर बनने लगे, यानी कि चोटी वाले से शिखर युक्त। और शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है गुप्त काल का बना हुआ देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, बड़ा ही फेमस मंदिर है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, ठीक है। तो मंदिरों पे जो प्रशस्ति लगी हुई है उनसे भी अपने को क्या मिलती है? जानकारियां हैं वो मिलती हैं। मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां, जैसे कुषाण शासक कनिष्क की मूर्ति मिली है, या पुराने समय के अंदर अपने को गांधार और मथुरा शैली में बौद्ध और जैन मूर्तियां मिली है, वहां भी उनसे भी अपने को तत्कालीन व्यवस्था की है वो जानकारी मिलती है। शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब होता है चट्टानों के ऊपर या गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, जैसे अपने को प्राचीन भारत में भीमबेटका की पहाड़ियों की या गुफाओं में चित्र मिलते हैं, या अजंता या अलोरा की गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं,
ये सारी की सारी चीजें अपने एक एक लेसन में ये आती जाएंगी भी। जैसे गुप्त काल आ गया या मुगल काल आ गया या मौर्य काल आ गया, कौन सा अभिलेख कौन से काल में मिलता है, किस प्रकार के सिक्के किस काल में चलते थे। अब जैसे मौर्य हैं तो उनकी राजकीय मुद्रा क्या थी, कारसापन थी। गुप्त थे, उनकी राजकीय मुद्रा दिनार थी। तो प्रत्येक टाइम पीरियड में अपने को अलग अलग स्मारक, अलग अलग प्रकार के चित्र, अलग अलग प्रकार के अभिलेख, ये सारे अपने को पढ़ने पड़ेंगे और इन सबसे ही अपने को प्राचीन भारत की जानकारी है वो मिलती है, प्राचीन भारत की जानकारी है वो मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों, इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के फिर दो भाग हैं, ध्यान में रखना। एक तो धार्मिक साहित्य यानी कि धर्म के कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, एक धर्म के अलावा कौन से लिखे गए। तो धर्म के अंदर यदि बात करें अपने तो तीन प्रकार के थे, वैदिक साहित्य यानी कि अपना हिंदुओं का, बौद्ध और जैन। धार्मिक के अलावा कौन से साहित्य थे यानी कि धर्मतर साहित्य कौन सा था, उसमें ऐतिहासिक किताबें आ जाएंगी, विशुद्ध साहित्य आ जाएगा, क्षेत्रीय साहित्य आ जाएगा और विदेशी विवरण, जो विदेशी लेखक आए उन्होंने क्या कहा वो आ जाएगा। फिर बात करेंगे पुरातात्विक की, तो अभिलेख आ जाएगा और अभिलेखों के यदि मैं प्रकारों की बात करूं तो आपके सामने हैं शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रलेख और गुहालेख, ये सारे अभिलेख के प्रकार ही हैं। और इनमें यदि किसी राजा की उपलब्धियां लिखी हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रशस्ति। सिक्के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के पंचमारक या आहत, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। सर्वाधिक सोने के या शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलाए। स्मारक, किसी भी प्रकार का कोई स्मारक बना हुआ है, किसी महान शासक का कोई बावड़ी बनी हुई है, कोई कुछ भी बना हुआ है, उसके ऊपर जो लिखा गया लेख है उससे अपने को जानकारी मिलती है। मंदिरों से अपने को जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल से पहले यानी कि ईसा पूर्व के अंदर जो मंदिर बनते थे वो कमरे की तरह सपाट बनते थे, गुप्त काल की देन है। शिखर युक्त मंदिर जो आजकल बनते हैं, ये जो है वो पंचायतन शैली के मंदिर हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से नागर की एक उपशैली है पंचायतन, जिसकी अपने डिटेल से बात करेंगे। गुप्त काल के अंदर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मूर्तियां जो अपने को प्राचीन जैन बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं या कुषाणों की मूर्तियां मिलती हैं या गुप्त काल की मूर्तियां मिलती हैं, उनकी शैल चित्र, गुफाओं के चित्र। तो लेसन नंबर आपका पहला, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसको जानने के स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी लेसन में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि इसी लेसन में आपके दो टॉपिक हैं जो मैं आपको प्रारंभिक पहले वीडियो में बता के आया हूं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो नेक्स्ट में अपने उनकी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।